हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं सिक्स का फर्स्ट सम, छठवे का पहला सम हम करने जा रहे हैं। लेट्स सी किस तरह से करना है सिक्स का फर्स्ट सम। सो इसमें क्या बोला है आपको, पुनीत हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डिपॉजिट्स ₹140 पर मंथ। सो इसका मंथली इंस्टॉलमेंट जो है 140 पर मंथ। क्या है ये मंथली इंस्टॉलमेंट? क्या है ये मंथली इंस्टॉलमेंट? समझ में आया, दिस इज मंथली इंस्टॉलमेंट। उसके बाद फॉर फोर इयर्स, तो आपका एन है फोर इयर्स। इसका मतलब क्या एन है फोर इयर्स? मतलब बेसिकली आपका एन क्या होगा, 12 × 4 = 48, ये हो जाएगा 48 मंथ्स। आया समझ में? 48 मंथ्स। अच्छा, इफ ही गेट्स 8092 ऑन मैच्योरिटी, मतलब आपका मैच्योरिटी वैल्यू पता है आपको 8092 रुपीज। Find the interest given by the bank. So you'll have to find the interest given by the bank. Simple formula लगाना आपने आपको. So therefore interest is given by. Interest is given by. आपको interest का formula लगाना. Interest is given by I equal to P into N plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100. करेक्ट, समझ में आया? आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना था और आप अब इसका वैल्यू निकालोगे। दिस इज इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है, 140 इनटू एन इज 48, दिस इज 48 प्लस 149, अच्छा डिवाइडेड बाय 2 इनटू 12 भी करना है। आर अपने को आर दिया है क्या, आर नहीं दिया, तो अपने को निकालना है क्या, इंटरेस्ट निकालना है और मैच्योरिटी वैल्यू दी। ओके, सो बेसिकली अपने को फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला ना, ठीक है, आर अपॉन हंड्रेड, अपने को आर ही तो निकालना। एक मिनट, इफ ही गेट्स, अपने को आई थोड़ी नहीं निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ना। ओ यार क्या लिखा मैंने, आर निकालना अपने को, क्या है, अच्छा आर निकालना अपने को, दिस इज आर अपॉन हंड्रेड, करेक्ट। सो नाउ आई इज इक्वल टू वॉट, योर आई इज इक्वल टू वॉट, अभी अपने को 12 × 4 = 48 लिखना है, ठीक है, टू से कट जाएगा ये टू टाइम्स। सो डिनोमिनेटर में आपका, अच्छा एक जीरो यहाँ से काट डालो, तो कुछ बचा क्या, दिस इज 14 इंटू 2 इंटू 49 आर अपॉन 10, ठीक है, ये आपका वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 28 इंटू 49 अपॉन, दिस इज 28, दिस इज 28 इंटू 49 अपॉन 10 आर, ठीक है, आई इज इक्वल टू इतना। अभी 28 इंटू 49 निकालते हैं क्या, निकाल लेते हैं ना, ज्यादा बेटर होगा, 28 इंटू 49 निकाल लेते हैं, तो 1372, दिस इज इक्वल टू 1372 आर अपॉन 10, ठीक है, दिस इज रुपीस। नाउ मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन बाय पी इनटू एन प्लस आई, मैच्योरिटी वैल्यू पता है अपने को 8092, और दिस इज इक्वल टू व्हाट इज पी, पी का वैल्यू अपने को 140 पता है और एन आपको 48 दिया हुआ है, प्लस आई इज इक्वल टू व्हाट, 1372 अपॉन 10 आर। अच्छा 140 इंटू 48 निकालते हैं पहले, 140 इंटू 48 करते हैं, दिस इज, अच्छा 8092, दिस इज इक्वल टू 6720, मतलब 8092 इक्वल टू 6720 प्लस 1372 आर अपॉन 10। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, 8092 माइनस 6720 कर देता हूँ, ठीक है, 8092, तो ये हो जाएगा 1372 is equal to 1372 r upon 10, समझो बात को, r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 1372 into 10 upon 1372, ये 1372 कट हो गया, therefore r is equal to what, 10, so क्या हो गया आपका, therefore rate of interest is how much, rate of interest is equal to 10% 10% per annum, ऐसा लिखना है, 10% per annum आपका rate of interest है, करेक्ट, समझ में आ गया, इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, उसी इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते रहे, विल बी डूइंग द सेकंड सब क्वेश्चन। चलो देखते हैं इस सिक्स का सेकंड सब क्वेश्चन, देखते हैं कितना इजी है। अगेन लेट अस फाइंड द डेटा, इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। डेविड ने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया और उसने 300 पर मंथ, 300 पर मंथ ही इज डिपॉजिटिंग, तो यू हैव वैल्यू ऑफ पी एस 300, ऑब्वियसली इट इज पर मंथ फॉर 2 इयर्स, तो एन इज इक्वल टू 2 इयर्स, मतलब 12 × 2 = 24, 24 मंथ्स।
अच्छा ही रिसीव्ड 7725 एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी, सो यू हैव मैच्योरिटी वैल्यू एज 7725 रुपीस, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। सो अपने को इंटरेस्ट निकालना है सबसे पहले, वो फ्लो वही रखना है, इंटरेस्ट निकालेंगे पी इंटू एन एन प्लस वन अपॉन टू इंटू ट्वेल्व इंटू आर अपॉन हंड्रेड, करेक्ट। दिस इज 300 इंटू 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, करेक्ट। ये कट हो गया, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 फोर्जा कर दो, और 4 सिक्सा संभाल गया, और 2 थ्रीजा। सो बेसिकली कितना हो जाएगा आपका है 25 इंटू 3 मतलब 75 आर, समझो दोस्तों। I वैल्यू क्या हो गया आपका, I इज 75 R, सो I इज इक्वल टू, therefore I इज इक्वल टू 75 R रुपीस, ठीक है। सो मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन बाय, सो मैच्योरिटी वैल्यू क्या है आपका, P इंटू एन प्लस I, मैच्योरिटी वैल्यू पता है आपको 7725 इज इक्वल टू P इज 300 इंटू एन इज 24 प्लस इज 75 R। अच्छा 300 दिस इज 7725 इज इक्वल टू 300 इंटू 24, 24 थ्री जा कितना होता है 72, तो ये हो जाएगा 7200 प्लस 75 R, ठीक है। अच्छा 7725 में से 7200 कितना आता है निकालो, कितना आता है 525, दिस इज इक्वल टू 75 R, दिस इज इक्वल टू 75 R, देयरफॉर 75 इंटू 7 करोगे ना, सो आपको 525 आता है। सो बेसिकली R इज इक्वल टू व्हाट, 525 अपॉन 75, and this is 7 times, so therefore R is equal to 7% per annum, so rate of interest per annum is 7%, easy, समझ में आया। अब देखो R कैसे निकालते हैं वो इस समय देखा हमने, उसके बाद मेरे ख्याल से पिछले समय ने, हाँ हम लोग ने P कैसे निकालते हैं, मतलब हम लोग ने maturity value निकाली है, हमने P निकालना सीखा है, हमने R निकालना सीखा है अलग अलग समय, ठीक है। मतलब अननोन वैल्यूज अलग अलग समय, मतलब अननोन अलग अलग अननोन वैल्यूज हमने निकाली है, सो कभी पी दिया है फॉर्म, कभी पी दिया था, एन दिया था, आर दिया था, तो हमने मैच्योरिटी वैल्यू निकाली, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद कभी पी नहीं दिया है, मैच्योरिटी वैल्यू दिया है, आर दिया है, पी निकाला, आर नहीं दिया है, पी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आपका मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, हमने आर निकाल लिया। तो ये अलग अलग टाइप के सम है जो आपको मिलेंगे इस चैप्टर में ऐसे करने में, ठीक है ना। और इससे ज्यादा कुछ अलग टाइप का सम है नहीं, इजी है चैप्टर। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे सम नंबर 7 एंड मोस्ट प्रोबेबली 8 भी करेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट, एंड प्लीज डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दिस ऑफ माई वीडियोज regularly. Thanks a lot for watching guys, please do practice more and more, and do let me know your review या आपके suggestions, आप मुझे video के end में या मेरे video के end में नहीं comment section में लिख के दे सकते हैं, ठीक है। Thank you for watching again, bye bye.